हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। मैंने ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रखी है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्मोल की लंबाई भी मैंने 6 इंच रखी है। ब्लाउज का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच का चौड़ाई रखते हुए गले की मार्किंग कर देते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए देखिए मैंने मार्क कर दिया है। दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं गले की लंबाई 10.5 रख रही हूँ। यहाँ से मार्किंग कर देंगे और बिल्कुल बराबर में लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने लाइनिंग ड्रॉ कर दिया। अब गले की डिज़ाइन का मार्क करेंगे। तो आप देख लीजिए वीडियो में मैं वी शेप का मार्किंग की हूँ इसका। अब सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो मैंने गले की कटिंग कर दिया। ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे और इसके भी गले की सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो ब्लाउज और अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब दोनों को बिल्कुल बराबर में रख दिए हैं। अब गले के पास से बिल्कुल बराबर करते हुए कपड़ों को स्टिच कर देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली गले की स्टिचिंग कर दिया, देख लीजिए। अब गले पे छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। इसे पलटकर सीधा करने के बाद डिज़ाइन सेम आएगा गले का। तो मैंने कट्स लगा दिए। अब इसको पलटकर सीधा कर लेते हैं। तो पलटकर सीधा करने के बाद एक सिलाई लगा के गले की फिर से पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो कम्प्लीटली मैंने गले की स्टिचिंग कर दिया। ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर दिया है। अब नीचे के साइड से यहाँ से डबल फोल्ड करके ट्रक्स की स्टिचिंग कर देंगे। इस तरीके से दोनों साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरे ट्रक्स की स्टिचिंग कर दिया। नीचे के साइड से मैंने फैब्रिक देखिए ज्वाइंट कर दिया है। अब इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करके एक सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली नीचे के साइड से देखिए ब्लाउज की स्टिचिंग कर दिया है। ब्लाउज के गले पे डिज़ाइन करेंगे। तो ब्लाउज को साइड करते हैं। मैंने ये पट्टी ली, इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और मैंने दूसरी पट्टी जो ली है इसकी भी चौड़ाई 1.5 इंच है। दोनों पट्टियों को बिल्कुल बराबर में रखते हुए साइड से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। सेम इस तरीके से आप भी पूरी स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने एक साइड से पट्टी की स्टिचिंग कर दिया है। दूसरे साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए पूरा स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से इसकी स्टिचिंग कर दिया। ये देख लीजिए मेरी पट्टी कम्प्लीट है। अब इसको पलट कर सीधा करने के लिए मैं नीडल की सहायता से बिल्कुल मिड से दोनों फैब्रिक को निकालते हुए नीडल को पलट कर सीधा कर देंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको पलट कर सीधा कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको पलट कर सीधा कर लिया। हाथों के साथ बस थोड़ा इसे बना लीजिएगा प्रेस करते हुए। तो मैंने इसको बिल्कुल बराबर में बना दिया है, देख लीजिए। अब इससे मुझे डिज़ाइन करना है। तो 3 इंच की लंबाई रखते हुए सभी पट्टियों को एक दूसरे के बराबर में फोल्ड कर लीजिएगा। जिससे ये पट्टियाँ बिल्कुल बराबर में आए तो सभी पट्टियों की साइज़ जो है 3 इंच होनी चाहिए। तो मैंने 3 इंच की लंबाई पे सबको फोल्ड कर दिया। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में कटिंग कर देंगे। तो मैंने सभी पट्टियों को देखिए कट कर दिया। इसकी लंबाई मैंने 3 इंच रखी, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर पे पहले जो गले को हमने कट करके निकाला था गले में से ब्लाउज़ के, उसको रख लेंगे उस फैब्रिक को और इसके बराबर में बिल्कुल हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे के साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा लीजिएगा, जितना आपका नीचे का फैब्रिक हो उतना ले लीजिएगा। अब 3 इंच की लंबाई रखते हुए इधर साइड से भी हम मार्किंग चौड़ाई रखते हुए पूरा मार्किंग कर देते हैं। तो 3 इंच की चौड़ाई पे पूरा मार्किंग कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपने गले की मार्किंग किया सेम वैसे ही। तो मैंने मार्किंग देखिए कर दिया है पूरा। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्क किए सेम उसी जगह से पूरी कटिंग कर दीजिएगा। तो मैंने दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रखते हुए पूरे पेपर की देखिए कटिंग कर दिया है। अब इस पर डिज़ाइन करेंगे।
तो देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ पट्टी का, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सेम इस तरीके से आप भी पूरी पट्टियों की डिज़ाइन कर दीजिएगा। तो पट्टियों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर में स्टिचिंग कीजिएगा, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रही हूँ। ऐसे बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते हुए पूरे पट्टियों की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने एक साइड से कम्प्लीटली पूरे पट्टियों का डिज़ाइन बना के स्टिचिंग कर दिया है, दूसरे साइड से भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप देख लीजिए मैं दूसरे साइड से कैसे डिज़ाइन को बना रही हूँ, किस तरीके से बना रही हूँ, सेम ऐसे आप भी बनाइएगा। और बीच में एक मोती के हिसाब से आप जो गैपिंग करते जाइएगा, देख लीजिए मैं बीच में एक मोती के हिसाब से गैपिंग कर रही हूँ। ऐसे गैपिंग करके पूरा डिज़ाइन को देखिए मैंने स्टिचिंग कर दिया है। अब मैंने ये कुछ फैब्रिक लिए जिनको मैंने स्क्वायर में कटिंग किया, इसको हम फोर पार्ट्स में फोल्ड करेंगे और इसकी फोल्डिंग में क्रॉसिंग में कर रही हूँ। ऐसे आप भी फोल्ड कीजिएगा इसको बिल्कुल कॉर्नर की तरह साइड से। तो जैसे मैं इस डिज़ाइन को बना रही हूँ सेम ऐसे आप बनाते हुए डिज़ाइन को पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैंने जितने डिज़ाइन मुझे यूज में करनी है मैंने बना के रखे हैं। अब इसको डिज़ाइन के बिल्कुल मिड से रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। सेम बिल्कुल डिज़ाइन के मिड से रखते हुए स्टिचिंग कीजिएगा। जितनी आपकी डिज़ाइन हो उतना आपका ट्रायंगुलर डिज़ाइन भी होना चाहिए। तो ये देखिए एक साइड से मैंने ट्रायंगुलर डिज़ाइन को स्टिच कर दिया, दूसरे साइड से भी ऐसे स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैंने दोनों साइड से स्टिचिंग कर दिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके पूरा निकाल देते हैं। तो अच्छे तरीके से दोनों साइड के फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको पूरा कटिंग करके निकाल दीजिएगा। मैंने पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया, ये देख लीजिए मेरी डिज़ाइन। अब इसके दोनों साइड से हम पाइपन करेंगे। तो ये मैंने पाइपन का फैब्रिक कट किया, इसको मैंने स्क्वायर में सॉरी क्रॉस में कटिंग किया, ये स्ट्रेचेबल है। तो इसको हम पहले स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड से। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे आप स्टिचिंग कर दीजिएगा फैब्रिक का। तो मैंने फैब्रिक का पूरा स्टिचिंग कर दिया। अब इसको बिल्कुल अच्छे से राउंड करते हुए पाइपन बनाते हुए इसकी सिलाई लगा के स्टिचिंग कर देंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको बना रही, इस तरीके से बिल्कुल बराबर में पाइपन बना लीजिएगा और सिलाई लगा के पूरे पाइपन की स्टिचिंग कर दीजिएगा। एक साइड से पाइपन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरीके से दूसरे साइड से पाइपन की स्टिचिंग कर देंगे। तो देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से पाइपन करके डिज़ाइन बना दिया। मैंने ये मोती लिया हुआ है, अब इस मोती को डिज़ाइन के बिल्कुल मिड से हम स्टिच करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे मोतियों को स्टिच कर रही हूँ डिज़ाइन के मिड से। सेम इस तरीके से आप मोतियों को बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन के मिड से स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कैसे मैं मोतियों को स्टिच कर रही हूँ। ऐसे हम पूरे डिज़ाइन पर कर देंगे जितने भी डिज़ाइन मैंने बनाए हुए हैं। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा मोती स्टिच कर दिया डिज़ाइन के साथ में, ये देख लीजिए। अब जो इस पर मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया था इसको अच्छे से पूरा रिमूव कर देंगे। अब डिज़ाइन को साइड करते हैं और मैंने ये ब्लाउज़ ले लिया। ब्लाउज़ के गले पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लेस की स्टिचिंग करेंगे। तो लेस को हम एक ही साइड से गले पर लगाएंगे। तो आप देख लीजिए बिल्कुल बराबर में रखते हुए गले पर लेस की स्टिचिंग कर दीजिएगा। एक साइड से देखिए लेस स्टिच हो चुका है, दूसरी साइड से बिल्कुल बराबर करके स्टिच कर देंगे। तो मैंने गले पे कम्प्लीटली लेस की स्टिचिंग कर दिया है, देख लीजिए। अब डिज़ाइन को लेंगे और डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में गले पे रख देंगे और पूरा सिलाई लगा के डिज़ाइन को स्टिच कर देते हैं ब्लाउज के साथ में। तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे सेम आप भी स्टिचिंग कीजिएगा। एक साइड से देखिए डिज़ाइन स्टिच हो चुकी है, दूसरे साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में स्टिच कर देंगे।
तो देखिए दोनों साइड से डिज़ाइन की कम्प्लीटली स्टिचिंग हो चुकी है, ये देख लीजिए। अब मैंने ये लेस लिया, लेस को बिल्कुल बराबर में नीचे के साइड से रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ डिज़ाइन का ब्लाउज और लेस का। ऐसे आप बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो लेस की कम्प्लीटली स्टिचिंग हो चुकी है, जो थोड़ा सा लेस है इसको नीचे के साइड से स्टिच कर दीजिएगा। तो मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।